नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें। शराब घोटाले में आपने की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा देश को बांटने का काम कर रही पार्टी। मणिपुर में फंसे बंगाल के 18 छात्र राज्य सरकार की मदद से अपने घर लौटे। यूट्यूबर मनीष कश्यप को रासुका के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। राजस्थान हनुमानगढ़ में MiG 21 क्रैश होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4। राजस्थान हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का MiG 21 विमान हुआ क्रैश। द केरल स्टोरी को प्रतिबंधित करने की मांग को शबाना आजमी ने बताया गलत। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण को बताया माफिया। शरद पवार को भरोसा, कर्नाटक चुनाव में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 119 मामले आए सामने, 3 मरीज की हुई मौत। बिहार में बागेश्वर बाबा का सुरक्षा कवच तैयार, 300 जवानों के घेरे में रहेंगे बागेश्वर बाबा। पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा का दरबार पटना के नौबतपुर में लगने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर बिहार की सियासत गर्माई तेज हो गई है। एक तरफ जहां बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती से ललकारा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी सत्ता पक्ष को ललकारा है। दोनों ओर से सियासी बयानबाजी जारी है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार नई नियमावली को वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध भी हो रहा है, जिनमें वर्तमान में नियोजित लाखों शिक्षक विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी लगातार नियमावली को वापस लेने की मांग की जा रही है। एक विरोध महागठबंधन को समर्थन कर रही वाम दलों की तरफ से की जा रही है, जिसमें नीतीश तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में नाइट गार्ड की गला दबाकर हत्या, एक अब सप्ताह में 3 मर्डर, पुलिस के हाथ खाली। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक हफ्ते के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर में तीसरे नाइट गार्ड की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। अयातपुर थाना अंतर्गत अयाची ग्राम फोज 2 के पास समस्तीपुर अंतर्गत बंगरा थाना गौशपुर गांव निवासी शंकर कुमार करीब 3 महीने से गौशाले में रात में पहाड़ी का काम करते थे। पटना के मुख्यमंत्री जनता दरबार में बिहार के कुल 106 फरियादियों ने अपनी शिकायत रखी, जिसमें कॉलेज से लेकर अस्पताल तक और जमीन से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक के जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी और फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भरपूर जिला से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने फर्जी तरीके से एक मामले में फंसा दिया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला से आई एक अन्य फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि भू लगान रसीद के लिए पैसे की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को राहत, पटना हाई कोर्ट में 9 मई को होगी सुनवाई। सरकार की ओर से दायर की गई इंटर लॉटरी के एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना पर जल्दी सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट में इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन दी गई थी। 9 मई को पटना हाई कोर्ट फैसला लेगी कि 3 जुलाई की जगह किस डेट को कोर्ट सुनवाई करेगी। मणिपुर में हिंसा के बीच फंसे बिहार के छात्र मंगलवार को लौटेंगे वापस, भेजा जाएगा विशेष विमान। मणिपुर में हिंसा के बीच बिहार में सैकड़ों छात्र फंसे हैं, इसे लेकर नीतीश सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि अब मणिपुर में फंसे छात्र बिहार वापस लौटेंगे। हिंसा के बाद सरकार की ओर से पहल की गई है छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए, मुख्यमंत्री ने स्थानीय आयुक्त को आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह छात्र विशेष विमान से बिहार वापस लाए जाने वाले हैं, सरकार अपने खर्च पर इन्हें वापस लाएगी। मंगलवार सुबह 6 बजे हिंसा में फंसे कई छात्र विशेष विमान से लाए जाएंगे। दिल्ली में जब जंतर मंतर पर बेकाबू हो गए किसान, बैरिकेडिंग तोड़ पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंचे। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ WUFI के मुखिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यही वजह है कि इस मामले पर पहलवानों का एक गुट 23 अप्रैल 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनरत है। भोजपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ियों पर चला जिला प्रशासन का झंडा।
बारातियों से भारी स्कॉर्पियो 30 फुट गहरे खाई में गिरी। मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पहले एक पेड़ से और दुकान से टकरा गई और 30 फीट गहरे खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि शादी के बाद बाराती घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन मामले पर जदयू प्रवक्ता का बयान। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अदालत ने बिहार सरकार का पक्ष मांगा है, हमारे अधिवक्ता मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। आरा में बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी, एक अपराधी हुआ गिरफ्तार। आरा पुलिस ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे अपराधियों में से एक अपराधी को सोन बरसा गांव से पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक्शन मोड में आए, अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अपराधी भाग गए, जबकि एक पकड़ा गया। राइफल बंदूक समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया तूफानी प्रचार, 7 दिनों में 3,000 से ज्यादा लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होने हैं, 8 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे और तूफानी प्रचार किए। पीएम मोदी ने राज्य में 7 दिनों के प्रचार में जनसभाओं और रोड शो के दौरान करीब 3,000 नए और पुराने कार्यकर्ताओं के प्रमुख नागरिकों से मुलाकात की। ममता बनर्जी से यही उम्मीद थी, बंगाल के फिल्म बैन होने के बाद राज्य में बीजेपी प्रमुख ने दिया बयान, अगर राज्य नहीं सुनेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बंगाल में फिल्म बैन होने पर द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर बोले, में आरएएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च, बीते 2 दिनों में हुए 2 धमाके। एससी ने ईडी के निदेशक के कार्यालय के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला। मणिपुर हिंसा मामले पर एससी में सुनवाई, अदालत ने राज्य से 17 मई तक रिपोर्ट जमा करने को कहा। मुजफ्फरपुर में फटाके को लेकर जा रही हाई टेंशन तार की चपेट में आई, आतिशबाजी के बाद जलकर हुई राख। बिहार के मुजफ्फरपुर के यादपुर थाना क्षेत्र के धर्मकांटा में सोमवार को एक यात्री बस के छत पर रखे फटाके में अचानक आग लग गई, उसके बाद पूरी बस में आग लग गई। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई, चालक भी मौके से फरार हो गया। बस के भीतर 20 से 25 लोग सवार थे, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। नीतीश की पार्टी को बड़ा झटका, सुलेही मेहता ने जोर छोड़ा जेडीयू का साथ। जेडीयू की पूर्व प्रवक्ता सुलेही मेहता ने बड़ा फैसला लिया है। सुलेही मेहता ने जेडीयू का साथ छोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका है। मोदी सरकार के 9 साल हो रहे पूरे, मांगी गई सभी मंत्रालय से रिपोर्ट। देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को इसी महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सभी मंत्रालयों से उपलब्धियों का ब्यौरा और एक फॉर्मेट में मांगा गया है। 9 मई तक सभी मंत्रालयों को द्वारा यह ब्यौरा सबमिट करने को कहा गया है। मोदी सरकार आने से पहले क्या हालत थे और अब क्या सुधार हुआ है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ, तब तक आप देखते रहें हम आप तक।